अगर आप नए फेस पसंद शूटर गेम खेलने का शौक रखते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिविशन कंपनी की कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओपीएस 4 गेम के बारे में। अगर आप इस गेम के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आप मैं सीखे भाई बात करने वाला हूँ। मेरा नाम इंसान चौधरी, आप देख रहे हैं इंसान भारत। लेट्स स्टार्ट। अगर आप फेस पसंद शूटर गेम खेलने का शौक रखते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक्टिविशन कंपनी ने अपना नया गेम कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओपीएस 4 के लिए अनाउंसमेंट कर दिए। ये गेम आपको 12 सितंबर 2018 को मार्केट में देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस गेम की आप प्री बुकिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप इस गेम को स्टीम पर प्री बुक कर सकते हैं, यानी कि आपके जो स्टीम अकाउंट होता है उसमें आप गेम खरीद सकते हैं, उसमें आप इस गेम को प्री बुक कर सकते हैं। जैसे आप इस गेम को प्री बुक करते हैं आपको इसका बीटा वर्जन मिल जाएगा, फिर जब 12 सितंबर को ये गेम रिलीज होगा ये गेम आपके लिए अनलॉक कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस गेम को पहले ही डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये गेम अनलॉक होता है, यानी कि 12 सितंबर को ये गेम रिलीज होता है आपको कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इस गेम को खेल सकते हैं, क्योंकि ये गेम पहले आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा ये बीटा वर्जन के रूप में। और अब बात करें इस गेम की स्टोरी की, तो ये गेम आपको कई सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जिससे कि आप इस गेम के अंदर क्या करना चाहते हैं। आप इस गेम को ऑनलाइन अपने फ्रेंड के साथ खेलना चाहते हैं, इसमें आप ज़ॉम्बीज के साथ खेलना चाहते हैं, यानी स्टोरी मोड खेलना चाहते हैं, इसमें आपको कई सारे अलग अलग मिलते हैं। और हम बात करें इस गेम में मल्टीप्लेयर की, तो इसमें आपको मल्टीप्लेयर में भी कई ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप इसमें जो स्टोरी मोड है वो भी आप मल्टीप्लेयर में खेल सकते हैं, ज़ॉम्बीज मोड को भी आप मल्टीप्लेयर में खेल सकते हैं। आप इसमें जो सबसे मेन मोड दिया यानी आप जो बीटा वर्जन में आप फिलहाल खेल सकते हैं वो है अपने फ्रेंड के साथ खेलना, यानी कि जैसे आप CS:GO गेम में करते हैं अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलते हैं, उसमें आपकी टीम में 5 प्लेयर होते हैं, सामने वाली टीम में 5 प्लेयर होते हैं, इसी तरह इस गेम को भी आप खेल सकते हैं। ये जो इसका ऑनलाइन मल्टीप्लेयर का ऑप्शन है ये लगभग कॉल ऑफ ड्यूटी गेम का मल्टीप्लेयर आपको लगभग CS:GO से इंस्पायर मिलेगा। अब बात करें इसमें स्टोरी मोड की, इसमें आपको स्टोरी मोड में आपको काफ़ी बड़ा मैप दिया गया है, यानी कि कंपनी का दावा है कि इसमें आपको काफ़ी बड़ा मैप दिया गया है, यानी जितने भी पिछले 10 साल से जितने भी क्रिएटर्स ने इस गेम को डेवलप किया है उन सभी ने इस गेम में जो मैन के कैरेक्टर थे, यानी जितने मैन मैप थे, कैरेक्टर्स थे, व्हीकल्स थे, वेपन्स थे, सभी को मिलाकर एक काफ़ी बड़ा मैप तैयार किया है। और अगर बात करें इस गेम में हम ज़ॉम्बीज की, इसमें आपको ज़ॉम्बीज के में का मोड मिलता है, यानी कि इसमें आप ज़ॉम्बीज की सारी लड़ाई करनी होती है, उसमें ज़ॉम्बीज के साथ साथ उसमें एनिमल्स भी मिलते हैं, यानी कि पहले वाले कॉल ऑफ ड्यूटी 3-2 में आपको सिर्फ ज़ॉम्बीज की सारी लड़ाई करनी होती थी, मगर इस मोड में आपको एनिमल्स भी मिलते हैं, यानी कि टाइगर, लॉयन, कई सारे अलग अलग एनिमल्स भी कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओपीएस 4 में आपको मिल जाएंगे। और अगर बात करें इसमें स्टोरी मोड है उसकी, तो स्टोरी मोड में आपको कई सारे मैप दिए जाते हैं, और स्टोरी मोड का सबसे मेन काम है आपके जो कैरेक्टर होता है उसे आप टेररिस्ट के साथ लड़ाई करना होता है, यानी कि किसी शहर में टेररिस्ट होते हैं उन सभी टेररिस्ट को मारना होता है, ये होता है स्टोरी मोड का काम। इसमें आपको लेवल्स बढ़ते जाते हैं, यानी कि पहले आपको इजी लेवल मिलता है, फिर जैसे आप गेम में आगे पूछते हैं इसमें लेवल हार्ड होते जाते हैं, यानी कि आपको कई और साइज एनिमीज के साथ लड़ाई करनी होती है। ये है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओपीएस 4। मुझे उम्मीद है उस टाइम पता चल चुका है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओपीएस में आपको क्या गेम मिलेगा, ये गेम कब रिलीज होगा, आप इस गेम को कैसे खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।